हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो स्नैक्स की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 आलू, जिनको कि मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। ये पहले से कटे फूटे टूटे हुए थे, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो उससे पहले इसकी कुछ अच्छी सी रेसिपी बना ली जाए। मैंने इन आलू को अच्छे से उबाल लिया है। सबसे पहले हमें इसे छिलके उतारना है, उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे से मैश कर लेना है। बहुत ही अच्छे से मैश करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, कॉर्नफ्लोर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें और भी कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों लगभग सेम है। ये देखिए, सबसे पहले हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसके अंदर लिया है और एक बार इसे हल्का सा मिक्स करके देखेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें और ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, अभी ये आलू जो है थोड़ा गीला गीला सा लग रहा है, हम इसके अंदर और कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 1, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हमने और ऐड किया है। ये थोड़ी छोटी से बड़ी साइज़ की चम्मच है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें 5 से 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। जब तक आपको एक अच्छा सा डो ना मिल जाए परफेक्ट, तब तक। और परफेक्ट होकर ये पहचान है कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा टाइट भी नहीं। बस लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू में किसी भी तरह की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, हमारा डो जो है बहुत ही परफेक्टली बनना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से आलू को मैश करना है। ये देखिए, हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल परफेक्ट है ये, बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बनकर हमारा रेडी होता है। ये देखिए, इस तरह से आपको सबसे पहले हाथों को भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद इस तरह से छोटा छोटा सा पोर्शन तोड़ना है आपको आटे का, और इस तरह से छोटी छोटी सी गोल गोल बॉल्स बना लेनी है, जो भी साइज़ आपको बनानी है। बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ आप ना बनाएं, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, मैंने एवरेज साइज़ बनाई है। उसके ऊपर इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फोक की हेल्प से इस तरह से लाइनिंग वाली डिज़ाइन दे रही हूँ। आप डिज़ाइन ना भी दें तो भी चलेगा, सिर्फ आप ऐसे गोल गोल बॉल बना लें और इस तरह से दोनों हथेलियों के बीच में इसको हल्का सा प्रेस कर दें तो भी चलेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से फिर से आपको थोड़ा सा पोर्शन उठाना है और इस तरह से गोल गोल रोल बना के, बॉल बना के इसको हल्का सा फ्लैट करना है। फिर इस तरह से कोई भी डिज़ाइन बना लेनी है आपकी पसंद से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ स्नैक्स बनाकर रख लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बार का बनाया है, मैंने टोटल इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था डो को, और मैंने 1 पार्ट के बना लिए हैं। और तेल को सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है। मैंने तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आप इसमें एक एक करके पोटैटो स्नैक्स इसके अंदर डालें। एक एक बॉल्स को आपको इसके अंदर डालना है। सारी बॉल्स को आपको एक साथ नहीं डालना है, वरना ये आपस में चिपक जाएगी और जब आप इसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे तब ये टूट जाएगी, इससे कि इसके अंदर बहुत सारा ऑयल भर जाएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले आपको ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करना है और फ्राई करते हुए आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। गैस का फ्लेम लो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये पोटैटो स्नैक्स है, ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे लो फ्लेम पर। और इन्हें आपको तब तक टर्न नहीं करना है जब तक कि ये खुद ब खुद फूल कर ऊपर नहीं आ जाते हैं एक तरफ से। अभी एक तरफ से फूल कर ऊपर आए उसके बाद ही मैं इसे टर्न कर रही हूँ, उससे पहले आपको इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये बिल्कुल पानी पूरी की तरह फूलने लगेंगे। पानी पूरी बहुत ज़्यादा साइज़ में फूली हुई होती है, बस ये उसका छोटा वाला वर्जन है। पानी पूरी जितनी ही इसकी साइज़ होगी और उसी तरह से ये फूली फूली सी होगी। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से इसको बहुत ही अच्छे से अलट पलट करते हुए फ्राई कर लिया है। पहले एक तरफ से फ्राई होकर ये ऊपर आ जाए, उसके बाद आप इसे टर्न करें। फिर हल्के हाथ से इसे टर्न करते हुए अच्छा सा कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लें। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 8 से 10 मिनट, लगभग 8 मिनट के लिए फ्राई किया है। टाइम ऊपर नीचे 1-2 मिनट हो सकता है। अब दूसरी पेज के पोटैटो बॉल्स भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं।
ये देखिए आपको इसी तरह से एक एक करते हुए इसे डालना है। एक साथ डालने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही फास्ट बनकर रेडी हो जाते हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ बना सकते हैं या फिर छोटी भूख के साथ बना सकते हैं। ये देखिए जैसे ये एक तरफ से सिक गए हैं, किस तरह से ये फूल कर ऊपर आ गए हैं। अब हम इसे टर्न करेंगे और अगर ये हल्के फूल के चिपक भी जाते हैं तो बहुत ही हल्के हाथ से इसे हैंडल करते हुए बहुत ही आहिस्ता से आप इसे निकालें। बिल्कुल जल्दबाजी ना करें वरना ये टूट जाएंगे, इसके अंदर ऑयल भर जाएगा क्योंकि ये वैसे ही काफ़ी फूले फूले होते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं ये। बस अब हम इसे फटाफट निकाल लेंगे और इनको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। आप इसे ठंडा करके बिल्कुल भी ना खाएं, इसे गर्मा गर्म खाएं वरना ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। अब गर्मा गर्म पोटैटो स्नैक्स को आप शाम की चाय के साथ या फिर छोटी भूख में इंजॉय करें या फिर कोई भी गेस्ट आ जाए तो आप इसे फटाफट से बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी अगर खानी हो तो आप मेरे इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अब मैं आपको एक पोटैटो बाइट्स या एक पोटैटो स्नैक तोड़कर बताती हूँ कि ये अंदर से कैसी बनी है। ये बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।